क्या इंडिया गठबंधन की ताकत से डर गई है बीजेपी, जिसके चलते उसने चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हैं वो 6 फरवरी तक स्थगित कर दिए हैं। मुद्दा नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का हक मारना चाहते थे? उनका अपना फाइनेंस कमीशन जो है राज्यों को कुल टैक्स का 42% देना चाहता था, मगर 2015 में प्रधानमंत्री उसका विरोध क्यों कर रहे थे? और यह बात किसी और ने नहीं, नीति आयोग के प्रमुख बीवी सुब्रमण्यम ने कही है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनका एक YouTube लाइव चल रहा होता है, और इस YouTube लाइव में नीति आयोग के प्रमुख सुब्रमण्यम साहब अपनी बात कह रहे होते हैं फाइनेंस रिपोर्टिंग पर। यह खबर है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, जो अल जजीरा पर आई है, और खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने देश को क्या कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बात संसद में कही थी और नीति आयोग के प्रमुख सुब्रमण्यम साहब जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुब्रमण्यम साहब की माने तो प्रधानमंत्री ने राज्यों को कुल टैक्स का 42% दिए जाने का विरोध किया था और कहा था नहीं, इन्हें सिर्फ 33% दिया जाए। मगर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है YV रेड्डी, जो कि फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सुझाव का विरोध किया और फिर आखिरकार केंद्र सरकार को कुल टैक्स का 42% राज्यों को देना पड़ा, मगर प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे थे। संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या बात कही, पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था विरोध करने के बावजूद। तो राज्यों ने कल्पना तक नहीं की होगी उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल सेक्टर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है? नहीं है। अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार करके दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% दे रहा, ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है, इतने रुपया रखा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री संसद में देश को यह बता रहे थे कि फाइनेंस कमीशन में कई लोग जो हैं 42% दिए जाने का विरोध कर रहे थे, जबकि खुद सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया था। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। 2015 में 3 लोगों की बैठक होती है, YV रेड्डी साहब जो कि फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे, सुब्रमण्यम साहब आपके स्क्रीन पर जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। YV रेड्डी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। YV रेड्डी इस बैठक में कहते हैं कि जो हमारा कुल टैक्स है उसका 42% राज्यों को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री इस बैठक में इसका विरोध करते हैं, कहते नहीं 42% नहीं सिर्फ 33% दिया जाना चाहिए। मगर फिर YV रेड्डी उनसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री करना तो यही पड़ेगा, और YV रेड्डी के दबाव के चलते आखिरकार राज्यों को 42% मिलता है। बड़ा सवाल ये दोस्तों, तो फिर देश के सामने आकर प्रधानमंत्री गलत बयानी क्यों कर रहे थे? मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए इस शब्दावली का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि आपने संसद में उनका बयान सुना, प्रधानमंत्री आखिर गलत बयानी क्यों कर रहे थे? अब मैं आपको दोस्तों उस YouTube लाइव का वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें बीवी सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे, और उन्होंने बताया किस तरह से YV रेड्डी ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री को तो मानना पड़ेगा, आपको अपने बॉस को समझाना पड़ेगा। सुनिए क्या कहा था सुब्रमण्यम ने। 14th फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी वन, दे रेज द डिवोल्यूशन टू स्टेट्स टू 42%। आई वाज एट द हार्ट ऑफ द डिस्कशन, नॉट हार्ट, ट्राइपार्टाइट डिस्कशन बिटवीन डॉक्टर रेड्डी, मी एंड द प्राइम मिनिस्टर, नो फाइनेंस मिनिस्ट्री,
should it be 42 or 32 or some number in between? The previous number was 32. And in good, you know, South Indian English, he told me in the end, you know, Appa, I mean, brother, go and tell your boss, he has no choice. He said, go and tell your boys, he has no choice. I mean, it's interesting to understand why the Finance Commission's powers are there and what they stand for. तो दोस्तों ये जो YouTube लाइव है ना, जैसे ही ये वायरल होता है और जैसे ही रिपोर्टर्स कलेक्टर जिसने रिपोर्टिंग की होती है वो लोग इस मुद्दे पर सुब्रमण्यम साहब को सवाल भेजते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को सवाल भेजते हैं, वित्त मंत्रालय को सवाल भेजते हैं, तो बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये जो यूट्यूब लाइव है उस यूट्यूब चैनल से हट जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अल जजीरा क्या कह रहा है। सुब्रमण्यम, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द पीएमओ डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्स डिटेल्ड क्वेरीज। उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत विस्तृत जवाब मांगे थे मगर उसका जवाब नहीं दिया गया इस घटनाक्रम को लेकर। और यही नहीं, वो जो वीडियो है उसे ऑफलाइन कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। मैं आज आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, याद कीजिएगा, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज से एक डेढ़ साल पहले की बात है, जेपी नड्डा जाते हैं बिहार और बिहार में कहते हैं कि भाजपा को मजबूत कीजिए क्योंकि हम तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं उसे खत्म कर देना चाहते हैं। अब याद कीजिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था, क्या भाजपा देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके दो कारण है। पहली बात, जेपी नड्डा जो ये कहते हैं भाई क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो राज्यों को जो वित्तीय एलोकेशन है उसे कम करना चाहते हैं, 42% की जगह 33% करना चाहते हैं, क्या ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी ताकत अपने पास रखना चाहते हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सारी ताकत जो है वो केंद्र सरकार के पास रखना चाहती है और क्षेत्रीय दलों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है? ये सवाल तो उठना चाहिए ना। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसे कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया है। क्या कह रही है इस मुद्दे पर सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तब राज्यों को पार्टनर बताने जैसी लच्छेदार बातें करते थे, लेकिन सच तो यह है कि 2015 में जब 14वां वित्त आयोग ने कुल टैक्स का 42% राज्यों को देने की बात की तब प्रधानमंत्री मोदी ने जी तोड़ कोशिश की कि राज्यों को यह पैसा ना मिले, लेकिन आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी नहीं माने और राज्यों को उनका हक मिला। लेकिन यही है नरेंद्र मोदी की असलियत, हाथी के दांत, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और। आप जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि जब प्रधानमंत्री 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने ही कहा था कि जो कुल टैक्स का पैसा है उसका 50% राज्यों को दिया जाना चाहिए। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आखिर क्या वजह है कि चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे चाइना हो, हर मुद्दे पर आप पलटी मार लेते हैं। 2014 से पहले आप कहते थे कि भाई चाइना को लाल आंख दिखाओ, लाल आंख दिखाओ, लाल आंख दिखाओ। 2014 के बाद अब आपके मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता, जबकि आप जानते हैं कि हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि सत्ता में आकर ही आपके तेवर बदल जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि आप राज्यों को उनका हक नहीं देना चाहते? यह बात, यह सवाल तो उठना लाजमी है ना प्रधानमंत्री, क्या इससे आप मुंह मोड़ सकते हैं? और आज जो दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं ना मैं आपके सामने, वो भी यह बतला रहा है कि विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी में किस तरह की एलर्जी है। मुद्दा है चंडीगढ़ का। दोस्तों चंडीगढ़ का मुद्दा तो बहुत ही शॉकिंग है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हो रहे थे बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को, और इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कायम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। अब ये जो गठबंधन बनने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में साफ जीत मिलने वाली, मगर फिर भाजपा ने और प्रशासन ने एक दांव चला,
उन्होंने चुनावों को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। कैसे? पहले कहा कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर बीमार है, फिर कोई और ऑफिसर बीमार हो गया, यानी कि बीमारी का बहाना देकर इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों को ही मुलतवी कर दिया, जबकि वहां पर इंडिया गठबंधन को बहुत ही आसान जीत मिलने वाली थी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों के लिए आप यह हरकत कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जाएंगे जब आप चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में खुलेआम ये काम कर रहे हैं। सुनिए राघव चड्ढा कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अपनी हार को सामने देख, एक डरी हुई बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। मैं आज आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड प्रशासन ने चुनावों को 6 फरवरी तक क्यों मुलतवी कर दिया? आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा में इंडिया गठबंधन को लेकर नर्वसनेस है? क्योंकि खबरें यह भी आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर भी भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन लगभग हो गया है। यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर, ऐसी बातें हैं, हो सकता है यह पलट भी सकता है, मगर वहां पर भी लगभग गठबंधन हो गया है। दोनों ने गठबंधन चंडीगढ़ में किया और उसकी उन्हें सफलता भी दिख रही थी, भाजपा इससे बौखला गई, लिहाजा उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, नोटिस जारी किया है कि भाई आपने क्यों मुलतवी किया, और इस पर प्रशासन ने बहुत ही वाहियात तर्क दिया। तर्क यह दे दिया कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गए थे, इसीलिए राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीमार तो बीजेपी है, बहाने क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या हार को लेकर भाजपा बौखला गई है? बहरहाल प्रशासन क्या कह रहा है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन परस्यूएंस टू द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ड्यू टू स्केड्यूल इलेक्शंस ऑफ द मेयर एंड डेप्यूटी मेयर एंड रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विद रिगार्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ अपॉइंटेड नॉमिनेटिंग प्रेजाइडिंग अथॉरिटी अनिल मसी ड्यू टू इल हेल्थ द ऑर्डर इज इश्यूड। जिक्र किया जा रहा है कानून व्यवस्था का, वो कहा जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, चंडीगढ़ एक शहर है ना, अब तो पंजाब में आतंकवाद भी नहीं है, तो ये किस लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है? यानी कि चंडीगढ़ में भी इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है? किस तरह के वाहियात तर्क दिए जा रहे हैं अपनी हार को टालने के लिए? इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि क्या लोकतंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की एलर्जी है कि क्या संघीय ढांचे को आप इस तरह से नेस्तनाबूद करते रहेंगे? क्योंकि बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने जो बात कही कि किस तरह से राज्यों को उनका हक नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री ने उसका विरोध किया था, और अब चंडीगढ़ के मेयर चुनावों का मुलतवी किया जाना, ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बतलाया जाता है कि देश के विपक्ष को लेकर भाजपा का क्या रुख है, और दूसरी तरफ अगर राज्यों को पैसा दिया जाता है ज्यादा उसको लेकर भाजपा का क्या रुख है, खुद प्रधानमंत्री का क्या रुख है। ये तमाम चीजें हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस पर सवाल किया जाना जरूरी है। क्या यह लोकतांत्रिक रवैया है? क्या यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है? क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से एलर्जी है? क्या साम दाम दंड भेद से वो अपनी मशीनरी के दबाव से विपक्ष को बर्बाद कर देना चाहता है?
एजेंसीज के सहारे आपने पहले ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर रखा है। अब आप ऐसे रास्ते ऐसे हालात बना देना चाहते हैं कि कोई चुनाव भी ना लड़ सके, और वो भी चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर। निहायत ही शॉकिंग, निहायत ही शर्मनाक। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।